वेलकम बैक टू अफशांस किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन दाल गोश्त की रेसिपी और साथ में हम बनाएंगे जीरे वाले राइस। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई भी मज़ेदार किस्म की रेसिपी बताऊं जो हर कोई इजीली बना सके। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी इसमें मैं बाज़ार के स्पाइसेस यूज़ नहीं करूंगी, ये बिल्कुल होममेड स्पाइसेस के साथ ही हम तैयार करेंगे, लेकिन ये बहुत डिलीशियस बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 kg मटन ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी के शामिल किए हैं। पानी हमेशा इतना यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर मटन अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 भरी कटी हुई प्याज और साथ में हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 मैंने दरमियाने साइज की टमाटर ली हैं और इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, 5 से 6 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और इसमें से मैं हाफ यूज़ करूंगी और हाफ हम तड़के में ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून नमक है, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, आप जितना चाहे इसको ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास रेड पेपर है क्योंकि हम दाल गोश्त बना रहे हैं, दाल हमेशा स्पाइसी ही अच्छी लगती है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी यूज़ करेंगे। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करके देन हम इसको कवर लगाएंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। चलें जी, प्रेशर कुकर को मैंने कवर लगा दिया है और अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, मिलते हैं आपसे 15 मिनट्स के बाद जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसका कवर रिमूव कर दिया है। माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। जी तो अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल का शामिल करेंगे और गोश्त की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं किया क्योंकि हमने ऑयल जो है वो तड़के में भी यूज़ करना है, इसलिए मैंने कम ऑयल यूज़ किया है। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप के करीब योगर्ट, 1/2 kg दाल जो मैंने 1 घंटे से भिगो के रखी हुई थी, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट इसमें 4 ग्लास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको लिड लगा के छोड़ देंगे ताकि दाल भी अच्छी तरह से गल जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं और फिर इसको हम फाइनल टच देते हैं जी। तो अब हम यहाँ पे इसका तड़का रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइसेस में काट के ऐड कर दी है। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन होता है हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं जी। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैंने शामिल कर दी हैं गोल लाल मिर्चें और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे।
जी, तो तड़का हमारा लग गया है। अब फाइनली मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करूंगी और थोड़ा सा सूखा धनिया, ग्रीन चिलीज, और थोड़ा सा ही हम इसमें धनिया का साथ उसको गार्निश करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। दूसरी तरफ चावल हमारे रेडी हो गए हैं, फिर मैं इसको सर्व करती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दाल गोश हमारा रेडी है। मैं इसको ज़ीरा राइस और सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, देन कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।